बाबा आप देख रहे हैं ना, आपका पोता उस्मान बड़ा हो गया है और शादी की तकरीब सजा रहा है। अब उसका खानदान है। मैं अब बूढ़ा हो गया हूं बाबा। मैं सुलेमान शाह का एक काबिल बेटा बनना चाहता था। इस मकसद के लिए जिंदगी लगा दी मैंने, लेकिन ऐसा ना हो सका। जिंदगी गफलत में गुजारती बाबा, मेरी आंखों में अंधेरा छा गया था, कान बहरे हो गए थे। भाईजान, इतनी उम्र हो गई मेरी, लेकिन आपकी तरह ना बन सका। हत्ता के मैंने अपनी जिंदगी से भी धोखा किया। अपने साथ, आपके साथ, अपने कबीले के साथ मुझे माफ कर दे, माफ कर दे मुझे। अगर आप यहां होते अम्मी जान, बाबा जान, मेरा बतूर, अगर आप यहां होते तो मुझे अपनी बाहों में थाम लेते, मुझे गलत रास्ते से बचा लेते, मेरे अंधे दिल को सही रास्ता दिखाते, तो मैं ये सब ना करता। इस तकरीब में हम सब इकट्ठे होते। शायर जो कहता है बिल्कुल ठीक कहता है, आज के बाद ना तो हमारे अज़्म में कमी आएगी और ना ही हमारी शायरी में। तो हो जाए हमारी रिवायती शायरी सुनाई जाए, जो दिलों के तारों को छेड़ दे। जैसा आपका हुक्म उस्मान साहब। Şimdi dinleyeceğim.
kurt gibi Osman Bey. Hey, maşallah. Bahut ala. मोहतरम शेख, आपकी आमद ने दस्तरखान को चार चांद लगा दिए। आपकी दुआ से इसमें और भी बरकत होगी। आप हमें रिस्क की दुआ से महरूम न रखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारी दुआएं कबूल फरमा। आमीन। या अल्लाह, हमारा मकसद और मुराद दोनों तू ही है। हमने जो रास्ता इख्तियार किया है उससे न भटकाना। आमीन। हमारी जिद्दोजहद को हमेशा जिंदा रख। आमीन। या रब्बे करीम, हमारा मकसद दुनिया में निजाम लाना और तेरे कलाम पर अमल करना है। हमारी रियासत को फख्र से मामूर और कौम को मसरूर फरमा। आमीन। रब्बे करीम, तेरी खातिर तलवारें बांधने वाले इन बहादुरों के दिल बड़े और मजबूत कर दे। आमीन। इनकी जबानों पर इकरार और दिलों में ईमान की ताकत भर दे। आमीन। ये अपनी जिंदगियों को जिहाद से सजाएं और अपना खातिमा शहादत के साथ करें या रब्बे करीम। आमीन। ऐ मेरे अल्लाह, तेरा परचम बुलंद करने वाले इन बहादुरों को कभी ना झुकाना। आमीन। हमें जालिमों के खिलाफ ताकतवर और मजलूमों के लिए रहम दिल बना। आमीन। हमें ऐसा आदिल बना कि हर कोई हम पर यकीन करे। आमीन। हमें इस कदर रहम दिल बना दे कि हम तमाम मासूमों के लिए पनाह बन जाएं। आमीन। हमें इतना अक्लमंद बना दे कि हम मोमिनीन की अक्ल बन जाएं। आमीन। हमें इतना ताकतवर बना दे कि हम जालिमों के लिए डरावना ख्वाब बन जाए। आमीन। अल फातिहा। बेटी, तकरीब शुरू हो गई बाबा। हाँ, शुरू हो गई, शुरू हो गई। उस्मान की मुराद पूरी हो गई है, हमें भी फौरन जाना चाहिए। हमें जाना चाहिए मेरी बेटी, बिल्कुल जाना चाहिए। दस्तरखान सज गया होगा, इंतजार कर रहे होंगे हमारा। हाँ, चलो चलो मेरी बेटी, चलो आ जाओ।
चचा जान, खुश आमदीद। शुक्रिया मेरे भतीजे, शुक्रिया। मेरे चचा, आज मेरे मेहमान होंगे और आज की रात से हमारा इत्तेहाद मुस्तकिल रहे। आमीन। दोनदार साहब यहां बैठे। उस्मान भाई बहुत रहमदिल हैं। इतना सब होने के बाद भी उन्होंने चचा को माफ कर दिया। उस्मान बनना इतना आसान नहीं मेरे भाई। आपकी रहमदिली आपके गुस्से से ज्यादा होगी तो ही आप इतना बड़ा दस्तरखान सजा सकते हैं। वो देखो गोश्त लेकर आ रहा है भाइयों। सुभान अल्लाह। क्या बात है जहरा, कुछ बेचैन लग रही हो? नहीं, मैं क्यों बेचैन होंगी? तुम्हारा वहम है। तरफ भी रखो। तो चलिए खाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। से धोते हैं। उठो बेटी, जल्दी चलो। चलो, शाबाश। दुंदार साहब, अंधेरा बहुत है, हमारे साथ आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुक जाओ। चची क्या हुआ?
ने खाने में जहर मिलाया है। क्या क्या कह रही हैं? ये झूठ बोल रही है। अगर ये झूठ है तो ये लोग खाकर दिखाओ। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। की जान ले लूंगी जो हमारी जान लेने की कोशिश करेगा। ये आपने क्या किया गजल खातून? हमने इनसे एक सवाल तक नहीं पूछा था। गजल खातून कोई भी काम बगैर वजह के नहीं करती गुंडू साहब। आप क्या कर रही हैं ये चची? तुम्हारी जाने मेरी तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है उस्मान। जो लोग खाना खाना चाहते हैं वो इसका जायका ले सकते हैं और बाकी उनकी मौत का तमाशा देख सकते हैं। अगर आपको पहले से मालूम था तो किसी सरदार को क्यों नहीं बताया? मैं अपना काम खुद पूरा करती हूँ उस्मान। आज से तुम सब की जिंदगियों का मेरी तरफ से तुम सब पर कर्ज है, समझ गए? उस्मान ने ना सिर्फ इसकी रूह बल्कि इसका जहन भी चुरा लिया है। तुम ये कैसे भूल गए थे कि बालगाय को धोखा देना आसान नहीं? मैं तुमसे ये नई रूह छीन लूंगा जिसने तुम्हें तुम्हारे मकसद से दूर कर दिया। तुम दोबारा से कांगर बनोगे। तुम फिर से बालगाय को अपना बाबा कहोगे। एक बार फिर मौत को बिला खौफ गले लगाने वाला तुम मेरा नौयान बनोगे गोंगार। Yeah.
सिर हो। जहरा खातून को जहर कबीले में एक शख्स ने आकर दिया, आपने हमें क्यों नहीं बताया गजल खातून? वो घटिया इंसान तबीब का रूप धारा हुआ था। एकदम से उसकी सच्चाई जानना आसान नहीं था उस्मान। और अगर देर हो जाती और कुछ गलत हो जाता तो? ये आश्कार करने के लिए दावत का इंतजार क्यों किया? मैं खुद तस्दीक करना चाहती थी। बजाय मेरा शुक्रिया अदा करने के, एहसान मंद होने के पूछगछ कर रहे हो मुझसे। पूछगछ नहीं चची जान, हकीकत जानना चाहते हैं। उस्मान बस ये मालूम करना चाहता है कि इसके पीछे कौन है। हो सकता है कि उसके पीछे कोई ना हो, या ये भी हो सकता है कि ये जहर उसने खुद तैयार किया। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये ऐसा जहर नहीं है जैसा दिख रहा है। ये बासर जहर होगा जो अपना असर बाद में दिखाता है। उन्होंने जानवर को जहर दिया, लेकिन तासीर गोश्त पकने के बाद आती है। ये किस किस्म की शैतानियत है? शैतान भी ऐसा नहीं सोच सकता। शैतान हमारे गिर्द ही घूमते हैं चचा, जैसे तबीब के भेष में। कहना क्या चाहते हो कि जिस आदमी को हम मुसलमान समझते थे वो कोई और था उस्मान? जी हाँ हसन खातून। तो उसने दवा बताकर हमें जहर दे दिया है। वो सांप कौन था जो इतने करीब आ गया हमारे? कौन था पता चल जाएगा। मैंने सिपाही इस काम पर लगा दिया। तुम्हें किस पर शक है? और कौन हो सकता है इस मंसूबे के पीछे? सोफिया, क्या वो नागन कुस्तुंतुनिया में नहीं है? इस जहर का नाम सनोपर है, जो कि एक कदीम यूनानी जहर है। इस यूनानी जहर का असर थोड़ी देर बाद होता है। सोफिया के अलावा कोई और नहीं कर सकता। पहले हम उस पे हावी होंगे, फिर देखेंगे कि वो तबीब क्या कहता है हम लोगों से। कोनूर, इस पहाड़ी के पीछे उनका कला है मेरे भाई। वो तबीब कीड़ जल्द ही अपने बिल से निकलेगा। हमें मोहतात रहना होगा बुरान। ठीक है। सुबुताए है, रुक जाओ मेरे भाई, फिलहाल रुक जाओ। वो किले जा रहे हैं बुरान, किले जा रहे हैं। अब पता चला कि सोफिया में कहां से हिम्मत आई शादी के खाने में जहर मिलाने की। बहुत ही शैतानी लोग हैं ये। अल्लाह हमारी मदद करे। कैसे बच सकते हैं वो हमारे दिए हुए जहर से? बताओ। उन्हें सहरा खातून के बारे में पता चल गया, इसलिए उन्होंने उसे मार दिया। मैंने तो अपना फर्ज पूरा किया शहजादी। लानत हो तुम्हारी हर कोशिश पर। शहजादी सूफिया, मंगोल कमांडर सुबोताया है। उस्मान तुम्हारे पीछे आएगा, नी किया जाकर गायब हो जाओ। जल्दी करो।
कमांडर सुबोताय, आपका आना हमें अच्छा लगा। मालूम होता है आप आ रहे हैं तो मैं आपका इस्तकबाल करती फौजी दस्ते के साथ। आइए यहीं, हम यहीं बात करेंगे सोफिया। एक मंगोल की तरह आसमान तले। भूख से मेरा बुरा हाल हो गया है, कुछ लेकर आओ। तुम्हारे इन पत्थरों के खेमों में मुझे घुटन होती है। तुम्हारी चमक दमक ने मेरी आंखों को थका दिया है। दिखाई देने वाली शान और शौकत दुश्मनों को खौफ ज़दा कर देती है। सच में हम मंगोल जानवर का दिल खाते हैं और यकीन रखते हैं इसकी रूह हमारे अंदर होती है। मुझे लगता है तुमने मुर्गी का दिल खाया है, क्योंकि तुमने यहां खुद को कैद किया हुआ है। मैं आपकी हिम्मत बढ़ाने आया हूं। ये लो, एक घोड़े का दिल, इसे खाओ ताकि तुम देख सको तुम्हारी रूह की हिम्मत बढ़े। इसकी जरूरत है तुम्हें। मुझे अपना खूनी गोश्त पसंद है सुबोताय। सुन रही हूं मैं, मुझे हिम्मत की जरूरत क्यों पड़ेगी पहले ये बताएं। गया तू बेदू की वजह से लौट आया है और उसने उस उस्मान शैतान को खत्म करने का फरीजा मुझे ही सौंपा है। उसे खत्म करना आसान नहीं है सुबोताय। क्या तुम्हें मुझ पे एतमाद नहीं है? मैं आप पर गेहातु जितना ही एतमाद करती हूं। आप मुझसे चाहते क्या हैं? उस्मान और सिपाहियों को कबीले से बाहर निकाल दो। उस्मान को कबीले से कैसे बाहर निकालना है ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। और आपके हाथ में क्या है? मेरे हाथ में वो है जो उस्मान को रूहों के दायरे में ले आएगा। गद्दारी।